हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेल को। और एक्सेल में जो डेटा है, यहाँ पर एक सेकेंड, इसमें जो डेटा है वो ये है। यहाँ पर ईयर में मैंने डेटा ले लिया इस एक्सेल के इनसाइड, ये ईयर बाय पॉपुलेशन है। और इसमें क्या है कि जैसे 2016 का डेटा है और 2018, 19 और 22, 21, और ये पॉपुलेशन हो गया, नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अब इसी डेटा को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राफ में। इस डेटा को कन्वर्ट करना है ग्राफ के इनसाइड, राइट, जो ग्राफ होता है उसमें। अब यहाँ पर जो एक्सेल में ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। पहले मैं बता देता हूँ ग्राफ, जैसे कि बार ग्राफ हो गया। बार ग्राफ जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको डेटा इस तरह से रिप्रेजेंट करना है इसी डेटा को, तो बार ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर ईयर होगी 2016 में और नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी थी, इस टाइप से ग्राफ डिजाइन हो जाएगा। ये होगा हमारा बार ग्राफ। उसके बाद जैसे कि आपने देखा होगा ये पाई चार्ट होता है, पाई ग्राफ भी बोल देते हैं, कि भाई इस तरह से जो ग्राफ डिजाइन होते हैं वो पाई ग्राफ हो गए, राइट। या फिर आपका लाइन ग्राफ भी आते हैं। लाइन ग्राफ होते हैं कि भाई जैसे कि हमने उस डेटा को लाइन पे डिनोट कर दे, इस तरह से लाइन बन गई है और उसको हमने उसमें डिनोट किया डेटा को लाइन ग्राफ पे। या स्केटर भी ग्राफ आते हैं। स्केटर ग्राफ का हुआ कि ऐसे डॉट डॉट से रहेंगे उसमें और वो डेटा उस पे रिप्रेजेंट हो जाएगा स्केटर ग्राफ पे, राइट। पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन लाइन चार्ट, ये सब ग्राफ हम एक्सेल में कैसे बनाएंगे, राइट। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। जैसे हम अपना डेटा डिजाइन, तो हमने अपना डेटा कलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल डेटा तो कलेक्ट हो गया है, अब उसको ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करना, ये प्रॉब्लम मुझे आ रही थी। मतलब मैंने अभी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन थी तो वहां पर मैंने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया और जैसे, और फिर मैंने उसको काफी मतलब सर्च किया और मुझे बहुत मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। फिर मैंने क्या किया, उसको समझा एक्सेल को। और फिर जैसे कि अब मुझे मान लो मैंने उसको समझ लिया, और मैं चाहता हूँ कि अब मैं सभी को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मान लो जैसे मेरा डेटा है ये ईयर और पॉपुलेशन, तो इसको मैं ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करूंगा। जैसे मुझे बार ग्राफ कन्वर्ट करना है, या फिर पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है, या फिर मुझे लाइन चार्ट में, या फिर स्केटर चार्ट में, इसको कैसे करूंगा मैं, राइट। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं वन बाई वन कि अब क्या प्रोसेस क्या होगा। जैसे मान लो जैसे मेरा डेटा है, तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट वन थिंक है वो ये है कि डेटा को सेलेक्ट कर लो, लुक लाइक इस टाइप से, कि भाई डेटा तो मेरा सिलेक्टेड है कि ईयर और पॉपुलेशन में डेटा सेलेक्ट कर लिया है अपने एक्सेल पे। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि इंसर्ट का ऑप्शन है राइट साइड ऑफ होम, जो होम है उसके राइट साइड में इंसर्ट का ऑप्शन है। जस्ट इस पे क्लिक करो इंसर्ट पे, और इंसर्ट में यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि कॉलम्स है, लाइन है, पाई है, बार चार्ट है, एरिया, स्कैटर एंड अदर अदर चार्ट्स, जो पार्ट्स है वो सारा हमारा किसका है, कॉलम्स का। अब कॉलम्स में मान लो मैं कॉलम्स में किस फॉर्मेट में ग्राफ को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, 2D कॉलम में, 3D कॉलम के व्यू में, सिलेंडर के व्यू में, कोण बना के, राइट, पिरामिड फॉर्मेट में, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2D में उसको रिप्रेजेंट कर दिया, देख सकते हो आप कि 2D में किस तरह से रिप्रेजेंट किया, कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। अब 2D में कर दिया इसको रिप्रेजेंट, सीरीज 3 है ये, यहाँ पर सीरीज 2, सीरीज 1, एम्प्टी, राइट, सीरीज 3, सीरीज 2। और जो डेटा सिलेक्ट किया गया था उसके व्याप पे हमने ये यहाँ पर लाइन चार्ट बना दिया। इसमें डेटा आ गया आपका ये वाला यहाँ पर, और इसको हम थोड़ा सा अब अपसाइड में कर लेता हूँ, ठीक है। और इसमें हमने ये चेक किया है, और दोबारा से यहाँ पर ऑप्शन भी है, देखो आपको ये वाला ग्राफ है, कलर कलर कॉम्बिनेशन, जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आपका कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग, जो ये जो ग्राफ यहाँ पर गिवन है इस टाइप से, आपको ब्लैक ग्राफ बनाना है या इस तरह का फॉर्मेट वो रखना है मतलब, राइट। तो अब इसमें जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है मेरा, ये ग्राफ है, ठीक है, और ये मैंने डेटा सेलेक्ट किया था, ये मेरा डेटा इस तरह से डिनोट हो रहा है, प्लॉट एरिया हो गया। और इसको मुझे
यहाँ से ये लाइन चार्ट है, तो आप जिसमें जो सा ग्राफ आपको बेस्ट लगता हो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर, राइट। ये डिजाइन हो गए, और मच मोर डिजाइन इसके यहाँ पर भी अवेलेबल हैं कि भाई नहीं मुझे तो इस तरह से डेटा चाहिए था एक्सेस और वाई टाइम में, राइट, नहीं भाई इस तरह से डेटा फॉर्मेट आना चाहिए, नहीं इस तरह से डेटा फॉर्मेट आना चाहिए था, या लुक लाइक, जो भी आपको बेस्ट लगता है, ठीक है। और इसमें एडिट करने का भी ऑप्शन है, यहाँ पर एक्सिस की रेंज, रेंज चेंज करनी है तो रेंज भी चेंज हो जाएगी अगर आप रेंज चेंज करना चाहते हो। अब मान लो फॉर एग्जांपल सीरीज वन, सीरीज टू, सीरीज थ्री, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, और उसको रिमूव भी करना चाहते हो, एडिट भी हो जाएगा, ठीक। कंप्लीट ग्राफ में जैसे भी आप अदर डेटा रेंज, डेटा रेंज चेंज करना चाहते हो, पॉपुलेशन का हो गया तो नहीं हमें पॉपुलेशन का नहीं, हमें डेटा करना था किसका, सीरीज टू का, या ऐड करने का ऑप्शन भी है यहाँ पर, सीरीज वैल्यू भी ऐड कर लो कि सीरीज की वैल्यू कहाँ से रनिंग करेगी, सीरीज का नेम, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई यहाँ पर, राइट, कि अभी हमने इसमें ये तो लर्न कर लिया है कि किस तरह से हम बार चार्ट डिजाइन करेंगे। अभी इसी डेटा को मुझे किस में कन्वर्ट करना था, फॉर एग्जांपल अब ये ही डेटा मुझे चेंज, अब ये कह रहा है कि भाई हमें चेंज करना है चार्ट, कॉलम में नहीं चाहिए हमें, लाइन में चाहिए। अब लाइन में भी देखो यहाँ पर कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं कि भाई इस लाइन में चाहिए या इस लाइन में चाहिए, डॉट वाली लाइन में चाहिए, तो उसको आप सिलेक्ट कर लो। देखो बनाना ग्राफ यहाँ पर भी, राइट, कि अब लाइन में भी देखो यहाँ पर जो ग्राफ्स हैं वो आपके यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं वो इस तरह से। अब उसमें भी कलरफुल कौन सा ग्राफ आपको डिजाइन करना है, कौन सा नहीं करना है, इस तरह से अवेलेबल हो गए यहाँ पर, राइट। ये देख लो आप किस तरह से चार्ट हैं वो किस तरह से आ रहा है यहाँ पर, तो ये पूरे पूरे चार्ट इसमें डिस्प्ले हो रहे हैं। ये ब्लैक चार्ट हो गया, चार्ट का टाइटल भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, बिल्कुल सिंपल सा है इस टाइप से, ठीक है ना, ये भी चार्ट का टाइटल आ जाएगा जो भी आपका रहेगा। और अब जैसे पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है तो पाई चार्ट बना लो आप, ये पाई चार्ट में आ गया ना आपका यहाँ पर, राइट, कि भाई पाई चार्ट है 2016 में 20% था, ये सब चीजें यहाँ पर आपकी वैल्यू ईयर पॉइंट ईयर वाइज डेटा दिख जाएगा। और जो आपने सेलेक्ट किया है मान लो फिर दोबारा से आप उसको पाई चार्ट बना रहे हो यहाँ पर इस तरह से, इस तरह के एरिया में आप पाई चार्ट डिवाइड कर लिया, देखो कितने परसेंट है, तो जो पार्ट आप सेलेक्ट करोगे मान लो मैं तो इन दोनों को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो देखो होता क्या है ना कि ये सिलेक्ट करा और ये पार्ट सेलेक्ट करा, ये दो पार्ट सेलेक्ट कर ले जिसका मुझे ग्राफ बनाना है। ये मैं ऑलरेडी भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जितने पार्ट का आपको ग्राफ बनाना है उस जैसे इंसर्ट में गए आप देख रहे हो यहाँ पर ईयर वाइज ग्राफ बन गया आपका। ये पाई चार्ट हो गया, पाई चार्ट है कि नहीं भाई मुझे तो इस तरह का पाई चार्ट चाहिए, देखो बनी ना बनी वाली पाई चार्ट की बन गई। अब पाई चार्ट में भी ये आ गया, राइट। अब ये सारा गेम था पाई चार्ट का। अब पाई चार्ट के बाद मैंने कहा कि चेंज टाइप कर लेते हैं फिर दोबारा से, यहाँ पर हमें बार चार्ट बनाना हो, ये बार होगा, एरिया बनाना हो एरिया के हिसाब से भी चार्ट बन जाएगा, जैसे एरिया चार्ट आपका ये बन गया, एरिया चार्ट बनाना हो या फिर चेंज टाइप करना होगा तो आपको एक्स वाई स्केटर चार्ट बनाना है तो वो भी आपका स्केटर चार्ट बन जाएगा, और स्केटर में भी कलर चेंज हो जाएंगे जैसे ये आपने यहाँ पर कलर चेंज कर दिए हैं, राइट। ये सब क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है ना इसके, इस तरह से स्केटर ग्राफ भी बन गया है यहाँ पर। फिर चेंज टाइप करो, स्टॉक के हिसाब से लगा लो भाई, स्टॉक मार्केट में जो कैंडल बनते हैं कि भाई इस तरह से कैंडल आ रहे हैं आपके, राइट, ये कैंडल जो चार्ट बनता है वो सारे चार्ट यहाँ पर डिजाइन हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। इस वीडियो में मैं ये ट्राई करता हूँ कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए चीजें।
और इसमें जो मैंने डेटा लेके आपको चार्ट वगैरह जो एक्सप्लेन करें, आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे। और चेंज टाइप करना है तो जैसे कि स्टॉप सरफेस का भी आप बना सकते हो, जैसे सरफेस के 3D वाला जो प्लान्स होते हैं वो कैसे डिजाइन करोगे, ये यहाँ पर चार्ट आ गया, उसमें डेटा चेंज हो जाएगा। और डाउन चार्ट भी होते हैं जैसे कि डाउन टू बनते हैं जिसमें, राइट, तो ये सब डाउन चार्ट होते हैं। फिर आपको बबल चार्ट बनाना है, राइट, ये बबल चार्ट आपका बन जाएगा। आपको देखो जो किस तरह से डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है बबल चार्ट का, और फिर उसको इस तरह से डिजाइन करना है लाइक। और फिर इसके बाद रेडर चार्ट भी आते हैं, रडार चार्ट भी आते हैं कि भाई नहीं मुझे तो डेटा रडार में डिस्प्ले करना है अपना लाइक। फिर उसमें भी यहाँ पर डिजाइन पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर दिख मिल जाएंगे। और यहाँ पर स्विच रो कॉलम का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, स्विच करना रो कॉलम को, सेलेक्ट डेटा, चार्ट डेटा रेंज, कौन से चार्ट की कौन सी डेट रेंज है, और एडिट करना है तो उसको रीनेम भी कर सकते हो एज यू विश, राइट। तो ये सब चीज़ें इसमें आप जैसे स्विच करना है, सेलेक्ट डेटा, सेव टेम्पलेट करना है, किस लोकेशन पर चेट करके उसको करके उसको हम फिर क्या करेंगे, फिर हम उसका प्रिंट डिजाइन कर लेंगे। अगर एक्सेल से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी हो या एक्सेल से हो, या जैसे मान लो कभी कभी बहुत सारे फॉर्मूला, मैंने एक्सेल पे बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, और मैं आपको देखनी हो तो आप देख सकते हो। और जैसे कि मान लो कि आपका नोट पैड में डेटा है, उसको एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करें, फॉर्मूलाज कैसे बनाएं, या कोई भी क्वेरी एक्सेल से रिलेटेड हो, फिल्टरिंग कैसे इंप्लीमेंट करें, सॉर्टिंग, और बेसिक से एक्सेल को कैसे लर्न करें, राइट, बेसिक से एक्सेल को कैसे लर्न करें, उसके लिए भी फुल वीडियो ट्यूटोरियल्स मैंने बनाया हुआ है। बट इस वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेन किया स्पेशली यही किया गया कि जो आपके पास डेटा है उसको हमें ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करना है। तो वो ग्राफ मतलब बार चार्ट भी हो सकता है, पाई चार्ट भी हो सकता है, डेटा, ये सारे सारे जितने भी ग्राफ्स होते हैं उसमें डेटा कैसे बनेगा ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इस वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो Share also see this video. Thank you so much for watching this video.